ग्वालियर जिले के एक होटल में घुसकर सगाई समारोह में मारपीट करने और अवैध हथियार से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर पटेल नगर इलाके में स्थित होटल वेल्व्लू का है, जहां एक परिवार ने होटल वेल्व्लू में अपना एंगेजमेंट का कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां होटल में पहले से ही कुछ युवक तीन कमरों में ठहरे हुए थे। वहीं जब वो युवक स्विमिंग पूल में नहाने के बाद आपत्तिजनक हालत में होटल के सगाई कार्यक्रम में सामने से निकले, तो इस पर होटल स्टाफ और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई और इसी बात को लेकर होटल में ठहरे युवकों ने अपने अन्य साथियों के साथ होटल की एंगेजमेंट में शामिल युवकों पर हमला और मारपीट की और फिर मारपीट करने के बाद वो लोग फायरिंग कर भाग गए। युवकों की गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विश्वविद्यालय पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 2 आरोपियों की पहचान हो सकी है और 4 आरोपी फिलहाल अज्ञात है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में पटेल नगर एरिया में एक होटल है बेलव्यू बोल के, वहाँ पे एक एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा था। तो उस होटल में कुछ लोग पहले से 3 रूम एक व्यक्ति ने बुक किया था, फिर वो व्यक्ति बाहर जाके कोई रिसोर्ट में स्विमिंग पूल यूज़ करके कुछ साथियों के साथ आ गया। वहाँ पे ये लोग जब आ गया, ये एंगेजमेंट पार्टी के साथ उनका विवाद हो गया, वहाँ पे गाली गलौज वगैरह हो गया, फिर ये लोग बाहर निकल गया। उसके बाद करीबन 1 बजे के अराउंड ये वापस आ गया। 6 लोग वापस आके जो एंगेजमेंट पार्टी में एक व्यक्ति के साथ हाथापाई हो गया उनका, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश किया। जो पार्टी इसको रेसिस्ट किया तो ये लोग वहाँ से भागने लगा। भागते वक्त इन्होंने पिस्टल यूज़ करके, अवैध पिस्टल यूज़ करके फायर भी किया है, 3 राउंड फायर किया है। उसमें से 1 राउंड इनमें से एक व्यक्ति को हाथ में लगा है, उनको अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया है। वो सिचुएशन उनका कंडीशन अभी स्टेबल है। अभी 307 धारा पे अभी IPC 307 के तहत FIR दर्ज हुआ है यूनिवर्सिटी थाने में, और ये 6 आरोपी उनमें से 2 आइडेंटिफाइड है, 4 लोग अन्य हैं, उनके ऊपर FIR किया है, उनकी तलाश जारी है।